मांसाहारी थे भगवान राम, अवाहत पर भड़के संत महाराज। भगवान राम पर विवादित बयान मचा चारों ओर संग्राम। श्री राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। महाराष्ट्र में श्री राम पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजनीति गर्मा गई है। और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। भाजपा नेता द्वारा श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन महाराष्ट्र में मांस व शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बाद एनसीपी के विधायक डॉक्टर जितेंद्र अवाड़ा ने कहा कि श्री राम मांसाहारी थे। इसे लेकर भाजपा और संतों ने पलटवार किया। विवाद बढ़ता देखकर एनसीपी विधायक ने यू टर्न लेते हुए माफी भी मांग ली। एनसीपी के विधायक ने कहा था कि भगवान राम शाकाहारी नहीं बल्कि मांसाहारी थे। उन्होंने जनता से सवाल पूछते हुए कहा कि श्री राम 14 सालों तक जंगल में रहे और शिकार ना किए हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद भाजपा ने उनके बयान को लेकर शिवसेना के उद्धव ठाकरे पर तंज कसा था। पहले जितेंद्र अवाहर ने माफी मांगने से मना कर दिया था, लेकिन बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपने बयान पर माफी मांग ली है। चलिए सबसे पहले तो आपको उनका वो बयान सुनाते हैं जो उन्होंने राम के लिए कहा। तब राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम? और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। वहीं इस विवादित बयान को लेकर आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि एनसीपी के नेता जितेंद्र अवाहर जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास के लिए गए थे तो उन्होंने मांस खाया था। सभी जगह लिखा है कि वो कंद मूल फल खाते थे। वो 14 साल तक जब वनवास में रहे वहाँ जो भी कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, वो शाकाहारी थे। हमारे शास्त्रों में जो वर्ण है और शास्त्र ही प्रमाण है। कभी भी किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि भगवान जब वनवास गए थे तो मांसाहारी थे और कंदमूल फल खाते थे। वो 14 वर्ष तक जो वनवास में रहे वहाँ सभी प्रकार के जो कंदमूल और फल मिलते थे वही खाते थे, शाकाहारी थे। और हमारे शास्त्र में उसका वर्णन है और शास्त्र ही प्रमाण है। इसलिए जो जितेंद्र बोल रहे हैं कि एनसीपी के नेता कि भगवान राम जब 14 वर्ष वनवास में रहे तो वहाँ वो मांसाहारी थे, यह झूठ है, एकदम गलत है। आचार्य ने कहा एनसीपी के नेता जितेंद्र अवाहर जो कह रहे हैं कि भगवान राम जब वनवास में रह रहे थे तो वो मांसाहारी थे, ये झूठ है, एकदम गलत है। ऐसे झूठे आदमी को हमारी भगवान का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। भगवान सभी के हैं, लेकिन सबके होते हुए भी उनके खान पान को लेकर जो बोला जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हमारे भगवान सदा शाकाहारी थे और शाकाहारी के साथ कंदमूल खाते थे, इसलिए ऐसा कहना गलत है। एनसीपी के नेता निंदनीय भाषा बोल रहे हैं, हमारे प्रभु को बदनाम करने की भाषा बोल रहे हैं, ये बहुत निकृष्ट विचार है, इसीलिए इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। आपको बता दें कि जितेंद्र अवाहर ने शिरडी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि राम बहुजनों के हैं जो शिकार करते हैं और खाते हैं। वहीं अब एनसीपी नेता के इस बयान पर विवाद छिड़ गया है। बुधवार को बीजेपी और अजीत पवार गुट के एनसीपी नेताओं ने जितेंद्र अवाहर के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। वहीं अब श्री राम को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर जितेंद्र अवाहर ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं अपने भाषण में बोलता चला गया, कभी कभी गलती हो जाती है, मैं अपने बयान के लिए माफी मांगता हूँ। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि वे अपने बयान पर माफी नहीं मांगने वाले हैं, लेकिन जब विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने यू टर्न लेते हुए माफी मांग ली। इस खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।